दुनिया के 5 सबसे खतरनाक कुत्तों की प्रजातियां। 5th डोबरमैन। डोबरमैन एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता है जिसका नाम उसे बनाने वाली व्यक्ति के नाम पर दिया गया है। डोबरमैन की प्रजाति की शुरुआत 1890 में हुई थी। कार्लोस फ्रेडरिच लुइस डोबरमैन नामक एक टैक्स जमा करने वाला इंसान था जो कि जर्मनी में रहता था। उन्होंने इस कुत्ते को बनाने का सोचा क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा करनी थी। जैसे कि आपको पता है, जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको कई बार मार पड़ती है, तो यही कारण था जब उन्होंने एक ऐसे कुत्ते के बारे में सोचा जो बहुत ही खतरनाक हो। इस खतरनाक कुत्ते को रॉटविलर, जर्मन फिंचर और बोल्सोरॉन, इन 3 प्रजाति के कुत्तों को मिलाकर बनाया गया। ये प्रयोग सफल रहा और फिर 28 फीट लंबा और 36 किलो वजनी डोबरमैन इस दुनिया में आया, जो कि ज्यादातर सुरक्षा बलों के साथ दिखाई देता है। जबकि आज के जमाने में डोबरमैन लगभग बहुत सी कंपनीज घरों की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। ये कुत्ते पुलिस के साथ मिलकर अपराधियों को भी पकड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, मिलिट्री में इन कुत्तों को घायल हुए सैनिकों को सुरक्षित जगह पर लाने का भी काम दिया जाता है। और ये घरों में पालतू कुत्ते तो हमेशा रहते हैं। इसी कारणों की वजह से डोबरमैन ने हमारी लिस्ट में 5वीं जगह बनाई है। 4th बुल मैस्टिफ। बहुत ही कम ऐसे कुत्ते हैं जो बुल मैस्टिफ जितने ताकतवर होंगे। यही बात इन कुत्तों को अजीब बनाती है। बुल मैस्टिफ को 1800 के दशक में गेम कीपर्स ने सुरक्षा गार्ड्स की मदद के लिए बनाया था। बुल मैस्टिफ को इंग्लिश मैस्टिफ और विलुप्त हुए ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग को मिलाकर बनाया गया। इन दोनों की खूबियां बुल मैस्टिफ में पाई जाती है, जो कि उसे एक लंबा, बहुत ताकतवर और बहुत तेज बनाता है। बाद में पूरी दुनिया में सुरक्षा के कामों के लिए भेजा गया। इनमें से एक देश था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में बुल मैस्टिफ को डायमंड यानी कि हीरो की खदान की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। इनका वजन 45 किलो से 90 किलो तक होता है। वैसे तो ये शांत स्वभाव के होते हैं, पर किसी ने इनको उंगली की या उकसाया तो ये ऐसे लड़ाई करते हैं जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। 3rd वुल्फ डॉग। वुल्फ डॉग के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। इनको भेड़िया और पालतू कुत्तों को मिलाकर 100 सालों पहले बनाया गया था। भेड़िया और पालतू कुत्तों में 40,000 सालों का फर्क है, जिनका 99.9% DNA सेम तरह का है, जिसके वजह से इनको बनाने में आसानी हुई। इस वुल्फ डॉग को ग्रे वुल्फ, टिम्बर वुल्फ, एथियोपियन वुल्फ, ये 3 भेड़िए और कुत्ते जैसे कि जर्मन शेफर्ड, साइबेरियन हस्की और अलास्कन मैलमॉट, इनको मिलाकर बनाया गया। ये कुत्ते दिखने में भेड़ियों जैसे ही दिखते हैं, जो कि 3 फीट लंबे और 45 किलो वजनी होते हैं। अगर इसकी आक्रामकता या गुस्से की बात करें तो ये बहुत सी जगहों पर बैन कर दिया गया है, पर दूसरे नजरिए से लोगों को वुल्फ डॉग अब दूसरी प्रजातियों जैसे ही पसंद आने लगे हैं। मगर इन वुल्फ डॉग की साइज और इनके गुस्से को देखते हुए ये किसी को काटने के बारे में 3rd नंबर पे है। 2nd रॉटविलर। दोस्तों, रॉटविलर दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक और जानलेवा कुत्ता है, जो इंसानों को काटता है और कई बार खत्म भी कर देता है। ये सबसे पुरानी कुत्ते की प्रजाति है। रॉटविलर को एंशियंट रोमन मैस्टिफ और एक अनजाने वोकल कुत्ते को मिलाकर जर्मनी में बनाया गया था। रॉटविलर को भेड़ बकरियों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी ताकत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आज तक का सबसे बड़ा वजनदार रॉटविलर 90 किलो का है। रॉटविलर लगभग हर तरह के काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके साइज और ताकत की वजह से किसी ने उन पर या उनके मालिक पर हमला किया तो ये उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर देते हैं और कई बार मार भी देते हैं। इसी कारण की वजह से पिटबुल के बाद रॉटविलर दूसरे नंबर पे आता है, जो कि सबसे खतरनाक कुत्ता है, जिस कारण हर साल कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। हालांकि ये लोगों पर हमले से ज्यादा उन्हें बचाने की कोशिश करता है। इन्हें पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड ज्यादातर पालते हैं। 1st नंबर पे आता है पिटबुल। दोस्तों, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि पिटबुल सबसे क्रूर और घातक किस्म का कुत्ता है। पिटबुल को 1800 के दशक में इंग्लैंड में बनाया गया था। पिटबुल को बुलडॉग और टेरियर प्रजाति के कुत्तों को मिलाकर बनाया था, जिसका परिणाम सबसे खतरनाक और खूंखार कुत्ते की प्रजाति यानी पिटबुल के रूप में मिला। पुराने जमाने में पिटबुल को खूनी खेलों में इस्तेमाल किया जाता था और दूसरे प्रजातियों के खिलाफ लड़ाई करवाते थे, जैसे कि दूसरे कुत्ते। इतना ही नहीं, ये बैल के साथ भी लड़वाते थे, जिसके बाद 1835 में इंग्लैंड ने खूनी खेलों पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद पिटबुल्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया जाता था और पिटबुल्स की लड़ाई 21वीं सदी में भी होती है। पिटबुल एक मशहूर लड़ाकू प्रजाति बन चुकी है। यही एक कारण है जिसके वजह से पिटबुल सबसे खतरनाक और हर साल सबसे ज्यादा काटने वाले कुत्तों में 1st नंबर पे आता है।
ये कुत्ता इंसानों की मौत के भी जिम्मेदार है। इसी कारण पिटबुल कई शहरों में ही नहीं बल्कि कई देशों में भी बैन किया गया है। दोस्तों आगे भी ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल दुनियास्ट ऑफ 5 को और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।